चलिए बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करते हैं। सेंटर ऑफ मास कल बात कर रहे थे ना सेंटर ऑफ मास के बारे में, तो दो तीन चर्चा हम लोगों ने की कि सेंटर ऑफ मास क्या है। ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरा बॉडी का मास क्या है कंसंट्रेट होता है, बट एक्चुअल में नहीं होता है, इट एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। और ये क्या पॉइंट है? इमेजिनरी पॉइंट है। क्या है? इमेजिनरी पॉइंट है। दूसरा, ये सिस्टम पे भी हो सकता है और सिस्टम पर नहीं भी हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया था कि कोई रेफरेंस लाइन ले लीजिए, कोई रेफरेंस लाइन ले लीजिए और कोई डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है जहां पे मास m1 m2 m3 m4 समवॉट करके हैं, ठीक है। तो उसका हमने क्या निकाला था? एक डिफिनेशन मैंने आपको बताई थी, मूवमेंट ऑफ मास। क्या बताया था? मूवमेंट ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ मास ऑफ ऑल द मासेस, मूवमेंट ऑफ मास ऑफ ऑल द मासेस का हमने क्या निकाला था? हमने एक निकाला था टोटल, इसकी निकाली थी टोटल वैल्यू निकाली थी, ठीक है। इसकी टोटल वैल्यू निकाली थी, उसको कंपेयर किया था किससे? अगर मैं इसको टोटल को, टोटल मास को एक सिंगल मास मान लू, इस मास को एक सिंगल मास मान लू और बोलू कि नहीं ये यहां पे है, यहां पे एक कैपिटल एम है और इसकी दूरी कितनी है एक्स सी ओ एम, तो इसका जो मूवमेंट ऑफ मास होगा और इस पूरे सिस्टम का जो मूवमेंट ऑफ मास होगा क्या होगा? वो सेम होगा। और वहां से मैंने सेंटर ऑफ मास की डिफिनेशन निकाली थी, वहां से सेंटर ऑफ मास की डिफिनेशन निकाली थी। तो क्या आया था हमारा? m1 x1 plus m2 x2 plus plus so on plus mn xn upon what? x1 plus x2 plus x3 नहीं m1 plus m2 plus so on mn। क्या ये फॉर्मूला याद करना पड़ा कि समझ में आ गया आपको? ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ में आ रहा है। क्या है? ये है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक्स सी ओ एम बराबर m1 x1 plus m2 x2 plus plus so on मास इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू अ कॉमन रेफरेंस एक्सिस। ये आपका क्या आ गया? सेंटर ऑफ मास। अब चलिए थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए मास डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं, आप समझिए। समझ में आ गया इसको? ये तो कल का लेक्चर था, ठीक है। अब देखिए मास डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं ना, मास डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए, मैंने कहा कोई सिस्टम है और यहां पे एक रखा है 2 kg का ब्लॉक, यहां रखा है 3 kg का, यहां रखा है क्या 5 kg, यहां पे क्या रखा है 1 kg। तो ये मास कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है? देखो दो तरह के मासेज हैं, एक है डिस्क्रीट मास सिस्टम, एक है कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो ये कैसा सिस्टम है? ये है डिस्क्रीट। फिजिक्स के वर्ड है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। डिस्क्रीट का मतलब केवल क्या हुआ? बिखरा हुआ। क्या? बिखरा हुआ। कंटिन्यूअस का मतलब एक साथ में, जैसे चौक होती है, चौक देखा है सबने, ठीक है। तो चौक से अगर उसको आप झाड़ो तो कुछ पार्टिकल क्या करता है? गिर जाता है, लेकिन पार्टिकल क्या है? उसी में अटैच है। भाई चौक जो है बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना है और सारे मासेस क्या है? कंटिन्यूअस है, सारे मास एक साथ में है। अगर हम उसको रिमूव करें तो थोड़ा थोड़ा सा क्या पार्टिकल गिरता है, सबने चौक देखा ही होगा, खेला भी होगा चौक से, तो क्या उसका पार्टिकल निकल जाता है। तो वो मास सिस्टम क्या है? वो है कंटिन्यूअस मास सिस्टम। क्या है? कंटिन्यूअस मास सिस्टम। और अगर मासेज हमारे डिस्क्रीट रखे हुए, मासेज हमारे 2 kg 4 kg 5 kg 1 kg, ये सारे आपने क्या किया? डिस्क्रीट रख दिया, तो उसको क्या बोलेंगे आप? डिस्क्रीट मास सिस्टम। जैसे 4 एप्पल खरीद लाए, उसको अलग अलग रख दिया आपने प्लेट में सजा के, तो वो क्या हो गया? डिस्क्रीट मास सिस्टम। और बताइए डिस्क्रीट मास सिस्टम के एग्जांपल, जैसे हमारा जो सोलर पैनल वो है, सोलर सिस्टम है, पूरा सोलर सिस्टम, अर्थ है, वीनस है, मार्स है, ये पूरा वो सन है, ये पूरा मास सिस्टम, इसको भी पूरा सिस्टम मान लिया जाए, अगर पूरा सिस्टम मान लिया है तो ये भी क्या है? एक तरीका का डिस्क्रीट मास सिस्टम है। सारा कंटिन्यूअस थोड़ो ना, दूरी पर है, अर्थ कहीं पर है, मास कहीं पर है, वीनस कहीं है, यूरेनस नेपच्यून अलग अलग जगह पे है, लेकिन अगर पूरे को एज अ सिस्टम मान लू मैं तो क्या होगा? ये डिस्क्रीट मास सिस्टम होगा। और कंटिन्यूअस मास सिस्टम का आपको बताई दिया मैंने, एक अगर लंबी सी रॉड है तो उसमें क्या है? आयरन के पार्टिकल्स हैं, अगर लोहे की रॉड है तो आयरन के पार्टिकल्स सारे क्या है? कंटिन्यूअस मास में, उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो हम दो लिखेंगे इसमें, डिस्क्रीट मास सिस्टम, मास डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ 2 types, मास डिस्ट्रीब्यूशन,
सेंटर ऑफ मास बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जितना ही ज्यादा हमको सेंटर ऑफ मास समझ में आएगा ना उतना ही रोटेशन हमारे लिए इजी हो जाएगा और बहुत आराम आराम से समझेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल भी वो मत सोचिए कि टफ टॉपिक है, आराम से समझेंगे। एक हमारा क्या हो गया डिस्क्रीट, डिस्क्रीट के नीचे लिख लीजिए बिखरा हुआ, और इधर लिखिए कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मास सिस्टम। डिस्क्रीट मास सिस्टम एंड कंटिन्यूअस मास सिस्टम, इसमें क्या है बिखरे हुए हैं, इसमें एक साथ में है, उसमें क्या है एक साथ में या चिपके हुए हैं, ठीक है एक दूसरे से क्या है अटैच है, ठीक है। चलिए अब देखिए मास सिस्टम भी दो तीन तरह के हो सकते हैं, आप बात समझने की कोशिश करिए। ऐसा हो सकता है, अब कैसे समझाऊं आपको, मान लीजिए कि एक रॉड है, ठीक है ना, इस पे क्या कर, या इसको छोड़िए, एक ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस। मान लो यहां पे मैंने 2 kg रख दिया ब्लॉक और यहां पे 3 kg रख दिया, ठीक है, तो ये सिस्टम क्या हुआ, ये लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम, समझिए लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम, क्योंकि क्या है एक लाइन पर ही वैरी कर रहा है, एक मास जो है वो कहां पे है एक लाइन पर है, क्या है एक लाइन पर है। अब मैंने कहा नहीं यहां पे नहीं, यहां पे भी है, यहां पे भी मासेस रख दिए, अब क्या मासेस कहां कहां है, अब प्लेन में है मासेस, अब जरूरी नहीं कि इसी लाइन पे रखा हो, देखिए यहां पे भी रख सकते हैं, अगर यहां पे पार्टिकल्स हैं तो उसका कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है यानी कि क्या है वो हमारे किसी प्लेन में रखे हुए हैं, लेकिन अभी भी डिस्क्रीट है, अभी भी क्या है डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो उसको क्या बोलूंगा प्लेनर डिस्क्रीट मास सिस्टम। एक हो गया लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम, एक हो गया प्लेनर डिस्क्रीट मास सिस्टम। अच्छा जेड एक्सिस पे भी हो सकता है, इधर इधर भी हो सकता है, अगर इस पे आ गया तो क्या कह लूंगा, बोलूंगा 3D और स्पेशियल डिस्क्रीट मास सिस्टम। जो मासेज है कुछ नहीं शब्द है केवल, घबराना नहीं है, अगर एक डायमेंशन में वेरी कर रहा है मास तो क्या बोल देंगे लीनियर, दो में डायमेंशन में वेरी कर रहा है तो प्लेनर, तीन में वेरी कर रहा है तो 3D, या इसके लिए एक और शब्द यूज करते हैं स्पेशियल, स्पेशियल मतलब स्पेस में, स्पेस में क्या है 3D आ गया, ठीक है। अच्छा वही कंटिन्यूअस की बात करो, रॉड है ना, अगर वो उसकी लेंथ इज मोर देन द एरिया, लेंथ इज मोर देन द एरिया, तो लेंथ पे ही वेरी कर रहा है रॉड जो है जो लेंथ पे वेरी कर रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे हम लीनियर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। भाई रॉड है, अगर उसका कुछ ब्रेथ भी है, उसकी कुछ ब्रेथ भी है तो क्या बोलेंगे हम प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। अच्छा लोहे का एक गोला ले लो, लोहे का गोला ले लिया आपने सॉलिड ना, तो सॉलिड ले लिया, स्फीयर ले लिया आपने, उसमें क्या होगा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह पे और तीनों डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको क्या बोलेंगे 3D आर स्पेशियल कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ नहीं है शब्द नहीं है, खतरनाक, समझ में आ गया, कुछ नहीं है, लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम, प्लेनर डिस्क्रीट मास सिस्टम और 3D डिस्क्रीट मास सिस्टम। उसके बाद एक डिस्क्रीट हो गया और एक क्या हो गया कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब क्या है मासेस जो है वो बिखरे हुए हैं अलग अलग रखे हुए, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या है एक साथ में रखे हुए, बस समझ में आया। अभी आज की डेट में मतलब आज के लेक्चर में हमको डिस्क्रीट मास सिस्टम के बारे में पढ़ना है, डिस्क्रीट मास सिस्टम। अगर चार सिस्टम मान लीजिए अलग अलग रखे हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक मान लीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पे 2 kg, 4 kg, 6 kg, 8 kg रखा हुआ है, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आप लोग सुने होंगे, तो उन्हीं सब चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए लेकिन क्या क्या होता है, इसमें लिखिए पहला, इसमें डिस्क्रीट मास सिस्टम तीन तरह के होते हैं, एक होता है लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम, दूसरा मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं आप लोग पूरा लिखिएगा प्लेनर डिस्क्रीट मास सिस्टम, और
थ्री डायमेंशन और स्पेशियल SPATIAL स्पेशियल डिस्क्रीट मास सिस्टम, इसमें लीनियर कंटिन्यूअस मास सिस्टम, इसमें प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम, इसमें थ्री डायमेंशन कंटिन्यूअस मास सिस्टम, थ्री डायमेंशन कंटिन्यूअस मास सिस्टम। इतनी बात समझ में आई तो मैं आगे चलूं, जल्दी नोट करिए। आ रहा है सबको समझ में आ रही बात? बहुत सिंपल सी बात है। मास डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट में भी तीन तरह के होते हैं भाई, तीन ही तरह हो सकते हैं, तीन डायमेंशन हमने पढ़ी है, एक होगा लीनियर होगा प्लेनर होगा थ्री डायमेंशन। उसमें डिस्क्रीट हो गया, या तो भाई बिखरा के रख दो मास को, या तो क्या करो कंटिन्यूअसली रख दो बस, ठीक है। अब अभी हमें चर्चा करनी है डिस्क्रीट मास सिस्टम की, ठीक है। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम में हेडिंग डालिए लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, पहले इसको नोट करिए, फिर पहली हेडिंग क्या लिएगा ये वाली, फर्स्ट लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम। हो गया, नोट हो गया, लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम हेडिंग डाल ली। चलिए इसमें लिखिए, समझिए, पहले ये आपका हो गया x एक्सिस और ये आपकी y एक्सिस है, और यही आपकी क्या है रेफरेंस लाइन है, क्या है रेफरेंस लाइन। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी मास रखेंगे, मास हमने रखा m1, और रेफरेंस लाइन से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। अब रेफरेंस लाइन कौन सी है, y एक्सिस, और इसे क्या निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको क्या बोलूंगा मैं, x1 बोल दूं क्या, बोल सकता हूं बताओ, ठीक है यहां तक सही है। अब मैंने कहा m2, यहां पे लगा m2, और इसकी डिस्टेंस कितनी है x2, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते चले गए और हमारे पास आ गया ये कौन सा mn, और इसका क्या हो गया xn। यहां तक की बात क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अब मोमेंट ऑफ मास निकालना है, क्या निकालना है मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, वाई एक्सिस और रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन क्या है यहां पे, वाई एक्सिस है। चलिए निकालिए मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम, विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस और रेफरेंस लाइन क्या होगा, m1 वन इंटू एक्स वन प्लस एम टू इंटू एक्स टू प्लस प्लस ओ वन प्लस एम एन इंटू एक्स एन। यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है ढंग से, बताओ समझ में आ रही है। हमें क्या निकाल रहे हैं, ये हमारा मास m1 का मूवमेंट कितना हुआ, m1 वन इंटू एक्स वन, M2 का कितना हुआ बेटा M2 into X2। अगर मान लीजिए M3 होगा, M3 होगा ही जब Mn तक जा रहे हैं, तो M3 का क्या होगा M3 into X3। मोमेंट ऑफ मास समझ में आया, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं वैसे मोमेंट ऑफ मास भी एक चीज है, एक आपका डिफिनेशन है मोमेंट ऑफ मास। अब पूरे सिस्टम में कितने मासेज हैं M1 M2 M3 M4 लेके Mn तक, तो सबका मूवमेंट क्या होगा, मोमेंट ऑफ मास क्या करें एड कर दें। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, क्या करें सबको एड कर दें। इतनी बात समझ में आई, चलिए अब देखिए। अब मैं कह रहा हूं कि जो इसका मोमेंट ऑफ मास है व्हाटएवर, ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कोई मास कहीं पर होगा, ठीक है, मान लीजिए कहीं पे होगा, ये होगा मान लीजिए कैपिटल एम, ये जो सारा मास है वो कंसंट्रेटेड है किसी, अच्छा इस लाइन पर है, सारे मासेस इसी लाइन पर है, तो सेंटर ऑफ मास भी इसी लाइन पर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इधर इस पे क्या है m मास है, अगर m मास है और इसकी डिस्टेंस क्या है xcom, क्या है
एक्स सी ओ एम, और यहां पे एम क्या है, एम इक्वल टू एम वन प्लस एम टू प्लस प्लस सो ऑन प्लस एम एन। यहां तक बात समझ में आई? अब मोमेंट ऑफ मास क्या होगा, मोमेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम, इसमें एक लाइन लिख लो पहले, सपोज दैट ऑल द मासेज आर, सपोज दैट ऑल द मासेज आर कंसंट्रेटेड, सपोज दैट ऑल द मासेज आर कंसंट्रेटेड एट द पॉइंट सी विच इज एक्स सी ओ एम, विच इज एक्स सी ओ एम, एक्स सी ओ एम ये बना दीजिएगा, विच इज एक्स सी ओ एम डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, विच इज एक्स सी ओ एम डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, विच इज एक्स सी ओ एम। अब भाई सेंटर ऑफ मास की तो डिफिनेशन भी यही है कि सारे मास कहां पे कंसंट्रेट हुए, एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट हुए, उसको मैंने मान लिया कि उसकी दूरी कितनी है, एक्स सी ओ एम है, और सारे मास कंसंट्रेट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो कैपिटल एम के बराबर है, और कैपिटल एम किसके बराबर है, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस प्लस वन एम एन के बराबर है। तो ये जो मूवमेंट ऑफ मास है और ये जो मूवमेंट ऑफ मास है, इसको अभी लिखा नहीं, मूवमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम अब क्या होगा, कैपिटल एम इंटू एक्स सी ओ एम। यह आ गया इक्वेशन वन और ये आ गई इक्वेशन टू। तो यहां से मोमेंट ऑफ मास क्या है, दोनों का सेम है, तो एक्स सी ओ एम क्या आ जाएगा, एक्स सी ओ एम बराबर एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस प्लस ओ वन प्लस एम एन एक्स एन अपॉन वॉट, एम वन प्लस एम टू प्लस प्लस ओ वन प्लस एम एन। ये क्या हो जाएगा, ये है एग्जाम्पल मतलब डेरिवेशन फॉर लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम, लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम। अच्छा देखो लीनियर है, ये जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस पे हो, मैं कहूं कि वाई एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम एन वाई एन अपॉन एम वन प्लस एम टू, कहूं जेड एक्सिस पे है तो एम वन जेड वन प्लस एम टू जेड टू प्लस एम एन जेड एन अपॉन, अगर लीनियरी या वैल्यू ही नहीं दे रखी है, कोई भी लाइन पे दे रखा है तो उस पे करके निकाल लेंगे, अगर एक एक्सिस पे आपके दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन एक ही साथ यहां पर यहां दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब हम नहीं निकाल पाएंगे, तब कुछ और चर्चा करेंगे, अभी बताएंगे आपको। अभी समझ में आया कि ऐसा दिया होगा तो हम लोग निकाल लेंगे, हो गया सही हो गया। चलिए इसका एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, इतना नोट हो गया, इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम एम वन एक्स वन है ना, इसको हम लिख सकते हैं एक्स सी ओ एम बराबर सिग्मा आई बराबर वन टू एन एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा आई बराबर वन टू एन एम आई। क्या सही है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देख के अजीब सा तो नहीं लगता है, अजीब सा लगता है तो रख के देख लिया, लगता है ना अजीब सा, सिग्मा मतलब समेशन, आई की वैल्यू कहां से वन से एन, वन वैल्यू रखा तो क्या होगा एम वन एक्स वन, फिर टू वैल्यू रखा तो क्या हुआ एम टू एक्स टू, लास्ट में एन वैल्यू रखा तो क्या हुआ एम एन एक्स एन, ठीक है इसको कर लीजिएगा। अच्छा आई बराबर जीरो से भी लिख सकते हैं क्या, नहीं लिखेंगे, जीरो कैसे होगा, इसमें जीरो आ रहा है क्या, कहां से स्टार्ट हो रहा है वन से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से दिया होगा तो गलत होगा आंसर, ध्यान रखिएगा आई कहां से स्टार्ट हो रहा है वन से, एक ऑप्शन में जीरो भी दिया होगा, टिक मार दोगे तड़ाक से, जीरो दिया होगा, जीरो दिया होगा तो उसका मतलब हो सकता है कि एक मास हो सकता है इधर रखा हो ना, हो सकता है क्या हो इधर भी रखा हो, ऐसा नहीं है, यहां पे तो हमने फॉर्मूले से कर रहे हैं ना, इस फॉर्मूले में क्या है वन से स्टार्ट हो रहा है,
कहां से M1 X1 से स्टार्ट हो रहा है ना, अगर कुछ होगा तो अपने आप आ जाएगा। चलिए इतना समझ में आया। अच्छा व्हाट इज दिस MIXI, ये क्या है? मोमेंट ऑफ मास। तो इसमें एक लाइन और लिख लो, देखो समझ के करिए ना, थ्योरी में बहुत कंफ्यूज होंगे। दिस इज व्हाट टोटल मोमेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम, टोटल मास ऑफ सिस्टम, ठीक है, टोटल मोमेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सही लिखा है? कहीं मोमेंट ऑफ मास लिख देते हैं, कहीं ये लिख देते हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग है। सही है? सर में दर्द तो नहीं हो रहा? क्या बात है साक्षी के सर में दर्द हो रहा है अभी? कोई बात नहीं बेटा, तो टाइम को मैनेज करो, कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको सर्किल भरना है, यू हैव टू, सबको मैं कह रहा हूँ, किसी एक बच्चे को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। आपको अपना टाइम मैनेज करना है ना, एग्जाम देना है तो अपना टाइम मैनेज करना। नो बडी विल बी लीनियंट टू यू, कोई आपको एक मिनट एक्स्ट्रा नहीं देगा। और ये एग्जाम अभी टेस्ट हो रहा है, इट्स नॉट अ फाइनल एग्जाम, तो आपको क्या डे बाई डे सीखना है। आज जो गलती की है उसको नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करना है। देखो एक बार मिस्टेक हो तो उसको आप सुधार लो नेक्स्ट टाइम ना, दोबारा फिर मिस्टेक हो तिबारा सुधार लो, और तिबारा अगर मिस्टेक हो गई तब तो आप बेवकूफी हो, फिर सुधारने लायक नहीं हो आप। एक मिस्टेक तो हो गई, सुधार लिया आपने, दूसरी बार भी मिस्टेक हो गई चलाऊ है, लेकिन तीसरी बार मिस्टेक करो देन यू आर फूल, आप फूल हो, फिर फूल बेचो, फिर कुछ नहीं हो सकता ना, फिर क्या है, फिर बेकार है, बताओ। नहीं, हमेशा वाई एक्सेस में नहीं होगी, बात समझिए, बात समझो, सुन तो लो। अभी कल का लेक्चर याद है, जब हम एक्स मोमेंट ऑफ मास की डिफिनीशन क्या है, मास का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस, याद है? तो ये मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है x1, भाई ये किससे ले रहे हैं, भाई ये यहां से हम करेंगे तो परपेंडिकुलर ही तो आएगा, ठीक है ना। अब यहां पे लेंगे तो ये परपेंडिकुलर क्या है, ये है। अब मैंने कहा नहीं हम y पे चलते हैं, इधर डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो परपेंडिकुलर किधर हो जाएगा, x से हो जाएगा, तो अब रेफरेंस एक्सिस क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द मास डिस्ट्रीब्यूशन हमारा रेफरेंस लाइन अलग अलग हो सकती है। हम यहां पे एक्स सीओ हम निकाल रहे हैं, अब वाई एक्सेस पे होगा तो वाई सीओ हम निकालेंगे, अभी कराएंगे उसको, परेशान मत हो। अभी एक एक्सेस का समझिए, अगर एक एक्सेस पे है तो ये एक्स सीओ एम आया, और इधर करेंगे तो वाई सीओ एम आएगा, इधर करेंगे तो जेड सीओ एम आएगा, और तीनों को एक्स कमा वाई कमा जेड लिखेंगे तो क्या सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, आ जाएगा। अगर हम कहें कि स्पेस में वेरी कर रहा है, अभी वहां तक पहुंचेंगे, अभी तक डायरेक्ट मत पहुंचो, अभी वहां जब पहुंचेंगे तब करेंगे। अभी ये बात समझ में आई कि हमारा क्या है, अगर एक दिशा में वेरी कर रहा है, लीनियर में वेरी कर रहा है, तो एक्स यूएम बराबर दिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट लिखिए प्लेनर डिस्क्रीट सिस्टम। जो आज गलती हुई है घर पे जाके डायरी में लिख लीजिएगा आप सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम में वो गलती मत करिएगा, बिलीव मी, अगर आप लिख लोगे डायरी पे तो बेटा याद रह जाएगा, नहीं लिखोगे तो याद नहीं रहता है। और हर एक टेस्ट में जैसे एक महीना बाद उठा के पढ़ लेना उस डायरी को, तो आपको लगेगा कि आप इतने बेवकूफ थे, ये भी गलती करते थे, आपको खुद अपने आप पे डाउट लगेगा। ऐसे कभी कभी होता है ना, फेसबुक पे मेमोरी आती है 2-3 साल पहले की, तो आपको लगता है यार मैं इतना बेवकूफ था, इतनी बेकार पोस्ट शेयर की थी। ऐसा आप लोग के साथ नहीं होता होगा, लेकिन हम लोग के साथ होता है। तो मेच्योरिटी एज के साथ बढ़ती है और अपनी मिस्टेक से भी बढ़ती है ना, तो मिस्टेक्स को अपने क्या करना है, अपना राइट डाउन करते रहना है। जब लिखी हुई मिस्टेक आती है ना तो वो ज्यादा याद रहती है। अभी आप लोग नहीं इस बात से कनेक्ट कर पा रहे हो, लेकिन ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है। जैसे फेसबुक पे कुछ शेयर किया हुआ 10 साल पहले, अभी वो मेमोरी में आ गया, तो सोचते हैं कि अरे मैंने ऐसा चीज शेयर कर दिया था, या मतलब कभी कभी तो स्पेलिंग मिस्टेक वाली चीजें शेयर कर दी,
कुछ लिखा उसमें स्पेशल मिस्टेक है, तो मैं सोचता हूँ मैं तो तब भी मतलब तब भी मैं टीचर ही था, पढ़ाता ही था, तो तब भी मेरे से गलती हो गई। तो एक एज के साथ साथ क्या होता है, एक मेच्योरिटी आती है, उसी का टेस्ट आप जो दे रहे हो ना, तो उसको आप घर जाके लिखो और उसको एक महीना बाद पढ़ो। एग्जाम से पहले तो बहुत जरूरी है पढ़ना सारा, जितना इधर टेस्ट अभी 9 नंबर का टेस्ट है ना, हर महीने लगभग लगभग 3 से 4 टेस्ट आपको देने का मौका मिल रहा है। इट्स ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, 4 टेस्ट आप मिले, 4 बार आपको हर वीक इंप्रूव करने का मौका मिल रहा है, हर वीक आपको इंप्रूव करने का, अपनी एनालिसिस करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, बहुत डिसहार्टेड भी नहीं होना, एक टेस्ट खराब हो गया खराब हो गया, कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में अच्छा करेंगे, ठीक है ना, कोई परेशानी। कुछ टफ टॉपिक भी होते हैं, कुछ हर आदमी का हर चीज थोड़ा ना अच्छा होता है, हर आदमी का हर चीज अच्छा नहीं होता है, कोई हो सकता है टॉपिक आपका वीक हो उसमें कम नंबर आपके आ जाए, कुछ टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो आपका ना, ये तो पर्सन टू पर्सन चीज चेंज होती है ना, हर इंसान का अलग अलग वीक जोन स्ट्रांग जोन सबका अलग अलग है। कोई आप दुनिया की किसी फील्ड में उठा लीजिए, हर इंसान हर चीज अच्छा कर ही नहीं सकता, कोई भी टॉपर लड़का सारी चीजें उसकी नहीं अच्छी हो सकती, कुछ ना कुछ चीज में स्ट्रांग होगा कुछ में वीक होगा। अच्छा, जिसमें वीक है उसके लिए मेहनत करो, मैं नहीं कह रहा हूँ मेहनत मत करो, करो मेहनत, लेकिन अपना वीक जोन अपना स्ट्रांग जोन पहचानो। तो आप देखो कि नीट में आप सबसे पहले धावा किस पे बोलोगे, आप बायोलॉजी पे कूद पड़ो एकदम, 1 घंटे के अंदर खत्म कर दो बायोलॉजी जितना करना है, उसका तुरंत 1 घंटे के अंदर 45 मिनट में केमिस्ट्री कर ली, फिजिक्स पे कूद पड़े उसको कर लिया, फिर रिवाइज करके पूरा अच्छे से कर डाला, ठीक है। अच्छे बच्चे हो सकता है कि और जल्दी कर लें ना, हो सकता है और जल्दी कर लें, फिजिक्स हो सकता है बायोलॉजी 45 मिनट में ही कर लें, फिजिक्स को 1-1 घंटा और केमिस्ट्री को 1-1 घंटा दे दें ना, ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपना स्ट्रांग जोन पहचानिए, और ये टेस्ट देने का मतलब केवल यही है और कुछ नहीं है। 2-4 नंबर खराब हो गए, किसी से कम आ गए, किसी से ज्यादा, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं, नो बडी इज गोइंग टू लिव विथ यू। अभी आप लोग अब एक दूसरे से सब अलग हो जाओगे साल भर बाद, कोई हमेशा दोनों साथ में बैठे रहोगे क्लास में, एवरीबडी हैव ए डिफरेंट लाइफ और सबकी लाइफ अलग अलग है ना, कोई टेंशन नहीं लेना है। 3-4 महीने 6 महीने आपको साथ में रहना, उसके बाद क्या है, किसी का नाम नाम भी याद नहीं रहेगा। अब मेरे साथ कौन पढ़ता था इंजीनियरिंग में, मुझे नाम थोड़ो ना याद है, नाम भी नहीं याद है, 60 बच्चे पढ़ते थे साथ में, कहाँ किसी का नाम याद है। कोचिंग करते थे तो 400 बच्चे साथ में पढ़ते थे, किसी का कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, सब अपनी अपनी लाइफ में कमा खा रहे हैं, हर आदमी की जिंदगी हर आदमी सेट हो जाता है एक समय के बाद, ठीक है, उसमें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। खराब हो रहा अच्छा हो रहा आप अपनी एनालिसिस करें, केवल अपनी एनालिसिस और कुछ नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। हाँ, देखो जो अच्छा नंबर ला रहा है वही क्यों ला रहा है, थोड़ा हमको भी आगे कंपटीशन एक दूसरे में रखिए, लेकिन डिसहार्टेड मत होइए। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया उसको दोबारा से तैयार कर लिया, अरे हो जाएगा, कॉन्फिडेंस रखिए कि हो जाएगा ना, ये मत सोचिए अरे हमसे नहीं, अरे हमसे नहीं होगा तो किससे होगा, ये वाला एटीट्यूड रखिए, अरे कर लेंगे ना, हो जाएगा। जैसे वो शार्क टैंक में आता है एक अमन मित्तल करके, जिसने बोर्ड का फाउंडर है, वो हमेशा कहता है अरे हो जाएगा, हम भी बना लेंगे, हम भी कर लेंगे, ऐसे कहता है हम भी कर लेंगे, एकदम कैजुअल एटीट्यूड, कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, इंसान ही तो करते हैं, हम भी कर लेंगे, वो भी रोटी चावल दाल खाते हैं, हम भी खाते हैं, हम भी कर लेंगे, लेकिन उस प्रोसेस से तो गुजरो, प्रोसेस से गुजरो, हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होता। विद इन द टाइम आपको सवाल करना है और अपने आप की एनालिसिस करनी है, सब बच्चों को एनालिसिस करनी है, हर पर्सन का अलग अलग वो है, बता चुका हूँ बहुत बार, ठीक है। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलो लिखो, प्लेनर डिस्क्रीट मास सिस्टम, प्लेनर डिस्क्रीट मास सिस्टम, बताइए मतलब, बताइए कोई बता सकता है, प्लेनर डिस्क्रीट मास सिस्टम, देखो इसका मतलब क्या है, देखो ये है x1, y1, ये क्या है x2, y2, ये m1, ये m2, ये m3, देखिए बात समझिए, ठीक है। अब ये हो गया, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितनी हो गई बेटा, देखो ये हो गया y1 और ये हो गया x1, अब सब नहीं बनाएंगे नहीं तो बहुत वो हो जाएगा ना, इसका भी क्या हो जाएगा, यहां से ये आपका क्या हो गया x एक्सिस और ये क्या हो गया y एक्सिस। अगर इस वाले प्लेन में हम देखें तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 और ये क्या है x2, y2 और m3 का x3, y3, ठीक है। और मान लीजिए, एक और मान लीजिए कहीं, ये है mn, xn, yn और ये सब मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, ये सारा मिलके एक सिस्टम को बना रहे हैं। अगर ये सारा मिलकर एक सिस्टम को बना रहे हैं तो XCOM क्या होगा, XCOM
एम, अगर इन सिस्टम को मैं मानू तो इन सिस्टम का मास विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस क्या होगा, जैसे एक्स यू एम हम निकाले तो होगा एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस प्लस सो ऑन प्लस एम एन एक्स एन अपॉन एम वन प्लस एम टू एम वन प्लस एम टू प्लस प्लस सो ऑन प्लस एम एन एक्स एन। अगर मैं वाई सी ओ एम निकालू तो क्या होगा, एम टू एक्स टू प्लस एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस प्लस सो ऑन एम एन वाई एन अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस प्लस सो ऑन प्लस एम एन। क्या इतनी बात समझ में आई? एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? भाई प्लेन में है, प्लेन में है तो दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों होंगे ना, तो क्या बोलूं सेंटर ऑफ मास की लोकेशन? सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा आपका एक्स सी ओ एम कॉमा वाई सी ओ एम, होगा कि नहीं होगा? एक्स सी ओ एम यहां से निकालेंगे, वाई सी ओ एम यहां से, अब बार बार नहीं कराएंगे वैसे, कर लेंगे ये बहुत इजी है। ये हो गया एक्स सी ओ एम और ये क्या हो गया वाई सी ओ एम। इसमें लिख लीजिए थोड़ा आगे इसका फॉर्मूला एक और, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई, आई बराबर वन टू एन, आई बराबर वन टू एन। यहां पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एम आई वाई आई अपॉन सिग्मा एम आई, आई बराबर वन टू एन, आई बराबर वन टू एन। ठीक है लिख लेंगे, थोड़ा और साफ साफ लिख लूं, लिख लोगे? ये क्या है सिग्मा एम आई वाई आई अपॉन सिग्मा एम आई, ये क्या है सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई। ठीक है इसमें एक लाइन और लिखना, बस इसमें एक लाइन और लिखिए, लिखा देता हूं, लिखिए मूवमेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, व्हिच एक्सेस, वाई एक्सेस, एक्स यू एम, ये क्या है मूवमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस अपॉन टोटल मास, अपॉन टोटल मास लिखिए, मूवमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इस वाले में एक्स यू एम के बराबर लिखिए, मूवमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस अपॉन टोटल मास, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस अपॉन टोटल मास, वाई सी ओ एम लिखो, वाई सी ओ एम लिखो बेटा, इसको लिखो मूवमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ये क्या है मूवमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मूवमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मूवमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अपॉन टोटल मास। चाहूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करा दूं बेटा, लेकिन डायरेक्ट नहीं याद करिए, समझ के करिए तो ज्यादा अच्छा है ना, फिर याद रहेगा आपको, कर लेंगे। चलो चलिए बहुत सिंपल सवाल, बहुत छोटा सा सवाल, छोटे से सवाल से चर्चा स्टार्ट करते हैं। लिखिए, लिख लिया सबने, क्वेश्चन लिखो, फोर पार्टिकल ऑफ मास, फोर पार्टिकल ऑफ मास, मिटाल दो इसको, नोट करो बेटा जल्दी, फोर पार्टिकल ऑफ मास वन के जी टू के जी थ्री के जी एंड फोर के जी, फोर पार्टिकल ऑफ मास वन के जी टू के जी थ्री के जी एंड फोर के जी आर प्लेस्ड, आर प्लेस्ड एट फोर वर्टिसेस, एट फोर वर्टिसेस ए बी सी डी, फोर वर्टिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको, वर्टिक्स बोलते हैं ना, हाँ मतलब स्क्वायर की फोर वर्टिक्स पर ए बी सी डी पर, फोर वर्टिक्स ऑफ
ऑफ अ स्क्वायर ऑफ वन मीटर, ऑफ अ स्क्वायर ऑफ वन मीटर, फाइंड द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, फाइंड द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। चलिए निकालिए, बना देता हूं मैं। देखो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। इस पे रखा है कितना, 1 kg, इस पे 2 kg, इस पे 3 kg और इस पे 4 kg, और सबका 111 meter है, ठीक है ना, स्क्वायर है 1, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। बताइए सेंटर ऑफ मास तो स्क्वायर के मिड पॉइंट पे ही होगा भाई, स्क्वायर है तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, क्या सेंटर पर होगा? नहीं, सेंटर पर नहीं होगा, कहां होगा? ऊपर नीचे कहीं होगा, क्या पता कहां होगा, पता करो। अगर ये कंटिन्यूअस प्लेट होती, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता, तब तो मैं कह देता क्या सेंटर पर है, और अभी क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पहली बात तो सेम नहीं है, दूसरी बात क्या है, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट में भी सेम होता तो शायद कुछ चर्चा कर सकते थे, लग तो रहा है सेंटर पे होगा, होगा क्या? कैसे प्रोसीड करें इस सवाल को, कितना कितना आ रहा है, 0.5। ये प्लेन में है, वाई भी 5 है, 5 भी 0.5, बीच में तो हो ही नहीं सकता, खुद सोचो बीच में कैसे होगा, देखिए 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 तरीका, देखिए इसको करने का मैं आपको बताता हूं, देखिए तरीका, देखिए ये सवाल अभी आपने नहीं किया है, क्या स्क्वायर दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या था ए, ये था बी, ये है सी और ये है डी। तो किसी एक वर्टेक्स को मैं एक्स वाई की एक्सिस मान लूंगा, एक वर्टेक्स को क्या बोलूंगा, एक्स वाई की एक्सिस मान लूंगा। तो ये ए क्या हो गया, हमारा ओरिजिन हो गया, और ये वाला क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और इधर क्या हो गई, वाई एक्सिस। तो क्या इसका बता सकते हो कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, ये कितना है बेटा 1, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ 1, 0, इसका कोऑर्डिनेट बताओ 1, 1, इसका 0, 1, इसका 0, 0। क्या यहां तक बात समझ में आई, ठीक है, तरीका है, अभी आप लोग ने नहीं किया इसलिए नहीं हो पा रहा। इसका मास बताइए, m1 = 1, इसका m2 = 2, इसका m3 = 3, और ये m4 = 4, ठीक है। अब मैंने माना किसी पॉइंट, इसका अब प्लेन में है, ये किसमें है, प्लेन में है, तो दो आएंगे एक्स सीओएम और वाई सीओएम। तो एक्स सीओएम निकालने का तरीका, एक्स सीओएम फॉर्मूला बताइए, m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 + m4 x4। अच्छा ऐसा क्यों सर, तो आप तो mn तक लिख गए थे, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे 4 मासेस हैं, तो चारों मासेस का लिखेंगे,
ठीक है, अपॉन क्या M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। बताइए M1 कितना 1, X1 की वैल्यू बताओ कितनी, X1 की वैल्यू 0 प्लस M2 कितना 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 अपॉन क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा, कितना 3 2 5, 5 बटा 4 7 9 10 कितना 10, कितना 1 अपॉन 2 कितना 0.5, कितना आया 0.5। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, नहीं आई, आ गई समझ में नहीं? अरे तुम लोग चौंका देते हो कभी कभी। स्क्वायर दिया हुआ था, स्क्वायर की एक एक्सिस को मैंने वाई एक्सिस मान ली, ठीक है, एक एक्सिस को वाई एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस, मतलब पूरे स्क्वायर को मैं किसी प्लेन में भी मान सकता था। ये स्क्वायर था किसी प्लेन में था तो कहीं यहां मान लेता, यहां नहीं माना, मैंने कहा ओरिजिन पे ही है। इसकी एक वर्टिसेस को या वर्टिक्स को मैंने ओरिजिन पे मान लिया, ठीक है, मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ, मान सकता हूँ बिल्कुल, ठीक है। अगर ये वर्टिक्स पे है, ए जो है, अगर ये ओरिजिन पे है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना 0.0, मास कितना 1 kg, ठीक है। अब देखो ये वाली इसकी लेंथ कितनी है स्क्वायर की, 1 meter है, तो बेटा ये वाला पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1.0। भाई ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे लिखे, ये 1 हुआ एक्स एक्सिस और 0 ऊपर तो गया नहीं ना, तो 1.0। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1.1, इसका कोऑर्डिनेट 0, आगे तो बढ़ा ही नहीं, एक्स पे क्या है 0 और वाई पे कितना है 1। इतना समझ में आ गया, बात समझ में आ गई, ठीक है। मासेज लिख लिया 2 kg 3 kg 4 kg। अब फॉर्मूला याद किया XUM का, क्या होता है M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 प्लस M4 X4। अब वही पुट कर दो, M1 कितना है 1 kg और X1 कितना है 0, इसका कोऑर्डिनेट X1 कितना है 0, M2 कितना 2 इंटू 1 प्लस M3 कितना 3 इंटू 1 प्लस M4 कितना 4 इंटू व्हाट 0, इसका X1 कितना है X4 कितना है 0 अपॉन टोटल मास। अब समझ में आया, लास्ट में बताइए क्या एनर्जी वहां यहां से वहां ट्रांसफर नहीं हो पा रही है, हो रही है, बीच में एब्जॉर्ब तो नहीं हो जा रही है, इधर बताइए बच्चों, समझ में आया? ऐसे झूठ में ऐसा नहीं बोलना, नहीं आता तो बताओ ना? हाँ बोलो, ये 1.0 कैसे आया ना बेटा, किसी भी कोऑर्डिनेट में जैसे ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मुझे डिफाइन करना है, इस पॉइंट को डिफाइन करना है, और ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहां से हम चले, तो यहां से हम किस दिशा में चले बेटा, एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस चले, 1 meter चले, क्योंकि इसका साइड की लेंथ कितनी है, साइड की लेंथ है 1, तो 1 चले एक्स कमा वाई से। अच्छा वाई में ऊपर गए, ऊपर नहीं गए, इस पॉइंट पर तो यहीं पर है, इस पॉइंट पर तो यहीं पर ऊपर गए, ऊपर नहीं गए, तो वाई में कितना गए 0 गए, वाई में कितना गए 0 गए, तो इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आया 1.0। अच्छा यहां पर तो हम ना एक्स में गए ना वाई में गए, एक्स में आगे भी नहीं बढ़े और वाई में ऊपर भी नहीं, वाई तो तब आएगा जब वाई में ऊपर बढ़ेंगे, एक्स तो तब आएगा जब एक्स में आगे जाएंगे, तो क्या हो गया 0.0। ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अच्छा तुम लोगों ने नहीं पढ़ी है, ठीक। अब देखो सी पॉइंट पे आए, सी पॉइंट बाय बहुत छोटी सी चीज बेटा समझ लो, इतना ही कोऑर्डिनेट है। अब सी पे पहुंचने का हमारा तरीका क्या है, हम पहले सी पे हमको पहुंचना, तो एक तो डायरेक्ट यहां से पहुंचना ऐसा नहीं, यहां पे पहुंचने का मतलब क्या है, यहां पे एक दूरी हम क्या किए आगे गए, तो x में एक आगे और y में एक आगे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1.1। अच्छा यहां पे आओ डी वाले में, अब बोलो ये 0, ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं पहले तो ये समझ लिए x, y होते हैं, क्या होते हैं x, y, तो इस कोऑर्डिनेट में क्या हुआ, x में आगे गए नहीं गए, सीधे हम y में क्या गए ऊपर गए, तो x 0 और y में कितना 1। समझ में आया, कोई डाउट हो पूछ लो बेटा, बताने के लिए है, ठीक है। अच्छा x, अब y से हम निकाल लो सब लोग, कितना 0.7, क्या सब बच्चे निकाल लेंगे, बताओ बताओ क्या दिक्कत है प्रतीक्षा, बताओ क्या हुआ, गलत निकाल लिया 0.7,
कैलकुलेशन मिस्टेक, तुम्हारा 0.5 आ गया। 5 कैसे आ रहा था? 4 किसको जीरो मान लिया था? दोनों को जीरो मान लिया था। अच्छा, इस कोऑर्डिनेट को 0.0 मान लिया था। 0.0 नहीं, 0, क्या होगा? 1 होगा। क्या वाई सी ओम आप लोग निकाल लेंगे? निकाल दो एक बार। चलो, ये नोट हो गया। चलिए, वाई सी ओ एम बताइए, एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री प्लस एम फोर वाई फोर अपॉन 10। टोटल मास 10 है ना। एम वन बोलो कितना? एम वन हो गया 1 इंटू प्लस बोलो 2 इंटू 1, कौन बोल रहा है? 2 इंटू 0। मुंह मत छुपाओ, दिख जाता है जो बोलता है। बोलो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, 0 कौन बोल रहा है? 1, पक्की बात है। अपॉन कितना? 10 बराबर क्या? 7 अपॉन 10 कितना? 0.7। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इट इज इक्वल टू 0.5, 0.7। कुछ भी पूछ सकता है। फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास। अब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन भी पूछ सकता है। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन, तो कैसे निकालोगे? 5 लगा दोगे। कर लेंगे। नहीं, समझ में नहीं आया? अरे मान लो कहीं पॉइंट पे आया, ये यहां पे आ गया। क्या आ गया? एक्सीओएम 0.5, 0.7। इसका मतलब क्या है? ये इधर कितनी दिशा में है? 0.5 और ऊपर कितना है? 0.7। तो ये दूरी कितनी हुई? अगर ये पूछ लिया जाए तो निकाल लोगे? 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर अंडर रूट निकाल लेंगे। क्वेश्चन का वेरिएशन समझिए। वैसे वहां तक नहीं जाएगा, यही सब पूछता है सेंटर ऑफ मास में। भाई मान लो एक स्टेप आगे बढ़ गया, ये पूछ लिया तो कर लोगे? चलो अब लिखिए। अब क्या लिखेंगे? हाँ, 3D डिस्क्रीट सिस्टम लिखिए। 3-डाइमेंशनल डिस्क्रीट सिस्टम, 3-डाइमेंशनल डिस्क्रीट सिस्टम। इसका मतलब क्या है? मास कहां कहां पे है? आपका एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। मास के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखें, तो हम क्या कहेंगे इसको? ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है। और यहां पे कोई मास है, मान लीजिए एम वन, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1, z1। और अगर मास है आपका एम टू, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2, z2। ऐसे ऐसे करके है। और आपका क्या है? पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, MN करके है। क्यों घूर रहे हैं सर? किसको घूर रहे हैं? कौन बच्चा बदमाशी कर रहा है? चलो, अगर ये है तो क्या होगा बताओ? हाँ नीरज, तुम्हें घूर रहे हैं? निकालो एक्स क्या होगा ये? अब ये बताइए, थोड़ा सा याद करिए। एक मैंने आपको बताया था कि अगर पोजीशन वेक्टर निकालना हो, इसका अगर ये R1 निकालना हो और ये क्या निकालना हो? R2 निकालना हो और ये क्या निकालना हो? R3 निकालना हो। ठीक है, चाहो तो इससे कर लो, चाहो तो डायरेक्ट कर लो। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा? x1i प्लस x2j। अरे R1 बराबर x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। R2 बराबर x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप। ऐसे करके निकाल सकते हैं।
ठीक है। अच्छा ये बताओ, इन टोटल मास का मिला के मैंने कहा कि एक कोई मास है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स यूएम, वाई यूएम और जेड यूएम, तो क्या उनकी सबकी वैल्यू निकाल सकते हो? निकाल लो, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख लो एक्स यूएम। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आई बराबर 1 to n, बोलो एम आई एक्स आई अपॉन वॉट सिग्मा एम आई आई बराबर 1 to n, वाई सी ओ एम क्या हो जाएगा सिग्मा आई बराबर 1 to n एम आई वाई आई अपॉन सिग्मा एम आई आई बराबर 1 to n, जेड सी ओ एम क्या हो जाएगा सिग्मा आई बराबर 1 to n एम आई जेड आई अपॉन सिग्मा एम आई आई बराबर 1 to n। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, एक्स सी ओ एम, वाई सी ओ एम, जेड सी ओ एम, सी ओ एम मतलब सेंटर ऑफ मास। कर लोगे? चले आगे चले, हो गया इतना हो गया। एक और बेसिक फॉर्मूला याद करो, देखो एक हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा देते हैं, ये है ना जैसे बेटा इसको मैं आर वेक्टर मान सकता हूं, इन फैक्ट सारे वेक्टर का मैंने कहा एक्स सी ओ एम क्या होगा, जैसे इस ये वेक्टर है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है आर वन, तो आर वन बराबर क्या हो जाएगा सुन लीजिए, एक्स वन आई का प्लस वाई वन जे का प्लस जेड वन के का आर टू बराबर एक्स टू वाई का प्लस वाई टू जे का प्लस जेड टू के का, इसी तरीके से होगा। अगर मैं बोलूं कि आर वेक्टर है आर सी ओ एम, जो सी ओ एम है सेंटर ऑफ मास है उसके भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, उसका भी एक पोजीशन वेक्टर माना क्या आर, क्या वेक्टर माना आर, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको हम लिखते हैं आर सी ओ एम, आर सी ओ एम बराबर एक्स एम आई आर आई आई बराबर 1 to n अपॉन सिग्मा एम आई आई बराबर 1 to n। क्या ये कह सकते हैं हम, बताओ कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास का बराबर क्या हो जाएगा ये, और आर आई को मैं बोलता हूं आर आई क्या है, आर आई इज इक्वल टू एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप, इसको पुट करिए सिग्मा एम आई आई बराबर 1 to n, यहाँ पे एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप अपॉन सिग्मा एम आई आई बराबर 1 to n, तो दिस इज इक्वल टू, देखिए मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये एम आई एक्स आई होगा, एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई आई कैप प्लस एम आई वाई आई अपॉन दिस जे कैप, ऐसे करके लिख ले रहा हूं, डायरेक्ट कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई आई कैप प्लस सिग्मा एम आई वाई आई अपॉन
सिग्मा एम आई जे कैप प्लस सिग्मा एम आई जेड आई अपॉन सिग्मा एम आई, आई बराबर वन टू एन, आई बराबर वन टू एन, आई बराबर वन टू एन, आई बराबर वन टू एन। इसका मतलब है व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू एक्स सी ओ एम आई कैप प्लस वाई सी ओ एम जे कैप प्लस जेड सी ओ एम के कैप। ये क्या है, दिस इज आर सी ओ एम, दिस इज आर सी ओ एम, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन, पोजीशन वेक्टर मतलब किसी भी पार्टिकल की पोजीशन का उसको दर्शाने वाला जो वेक्टर होता है वो क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। अगर एक्स और वाई में, अगर केवल एक्स में है तो हम बोल देते हैं एक्स ही बोल देते हैं, वाई में है तो वाई बोल देते हैं। अगर एक्स वाई दोनों में तो आर बराबर एक्स आई प्लस वाई आई, अगर एक्स वाई जेड तीनों है तो एक्स आई प्लस वाई आई प्लस जेड आई। तो इसमें क्या है, एक्स सीएम वाई सीएम और जेड सीएम। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, वही सारी चीजें हैं, रिपीट कर करके बार बार लिख रहे हैं हम, ठीक है। बस क्लैरिटी के साथ आपको समझना है। बंद करा दें एसी, ठंडी लग रही है, हाँ पंखा बंद करा दें, सब बंद करा। कुछ बच्चे कह रहे हैं बंद करा दें, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं बंद कराएं। व्याला बंद करा दें, बंद कर दो बेटा व्याला, बंद करा दें, सबकी बातें नहीं सुनी जाएंगी। अच्छा एसी बंद करा दें, बंद करा दो बेटा, बंद कर दो पंखा। विष्णु सर एसी बंद कर दीजिए, एसी बंद कर दिए सर, ठीक है कोई बात नहीं। जिसको गर्मी लग रही है थोड़ी देर संतोष करे, उसके बाद फिर ऑन हो जाएगा अल्टरनेटिवली। हाँ 10 मिनट एक की बातें सुनी जाएंगी, 10 मिनट दूसरे की। चलो हो गया, समझ में आ गया। चलो एक सवाल कर लेते हैं बस, आज का क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन करें। चलो लिखो, द पोजिशन वेक्टर ऑफ मास, द पोजिशन वेक्टर ऑफ मास 1 kg 2 kg एंड 3 kg आर रिस्पेक्टिवली आर आर वन बराबर आई कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, आर टू बराबर आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, आर थ्री बराबर 2i माइनस j माइनस 2k कैप। फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, निकालिए, निकाल लेंगे। फाइंड पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, बताइए आंसर, आंसर कैसे करेंगे। देखो एक्स सीएम वाई सीएम से नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आर सीओएम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसीलिए पढ़ाया है। आर सीओएम का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एम आई आर आई आई बराबर 1 टू n अपॉन सिग्मा एम आई, बताओ एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री अपॉन वॉट सिग्मा, अरे एम वन प्लस एम टू प्लस
एम थ्री, क्या फॉर्मूला लगा लेंगे डायरेक्ट? डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाना है, इसीलिए पढ़ाए फॉर्मूला, डायरेक्ट अप्लाई करिए। आर वन आर टू आर थ्री दिया है ना, बोलो कितना? फोर अपॉइंट टू। आई कैप का कोऑर्डिनेट क्या है? हाँ ये बताओ, आर सी एम क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी आई जे के में, तो आई का कोफिशियंट क्या आ रहा है? कुछ गलत निकाल रहे हो, कुछ गलत निकाल रहे हो क्या? सही करो। क्या कंफ्यूजन है? देखिए देखिए, इसमें कुछ नहीं है।